राम राम भाई, सबको कैसे हो आप सब लोग? होप करते हैं आप सब भाई बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आज है फीजा का बर्थडे, तो आज कुछ उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेने जाना है। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं लेने गिफ्ट कुछ उसके लिए। मम्मी रेडी हो चुकी है। कहाँ जा रहे हैं हम? देखो हम लोग जा रहे हैं सुविधा, कुछ मिलता कुछ मिल नहीं। जाए तो ले आएंगे, नहीं तो हम उसको कहेंगे खुद कुछ ले आ। हाँ क्या करें फिर, हमें ना मिले, हमने हमको उसका ना साइज पता ना कुछ पता। साइज तो दे पता है, पता है क्योंकि आपको साइज? साइज तो पता है अपनी, मेरी अच्छा बेटी है वो, तेरे से ज्यादा उसका ज्यादा मुझे। हाँ, मम्मी को तो पता ही होगा, मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती है, कल के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। हाँ तो करती तो हूँ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सुविधा, कुछ देखने, अगर मिल जाए तो ले आएंगे, नहीं तो उसको कहेंगे भाई खुद ही ले ले, हमसे पैसे ले ले, यही कहेंगे उसको। चलते हैं। रात में इतना थके हुए ना भाई, इतना थके हुए मैं पूछो मत। कटिंग और बियर्ड भी सेट करवा लिया अपना बढ़िया सी, जल्दी जल्दी में करवाई है उसने भी, बहुत जल्दी। बोला भैया भूख लग रही है, मैं बाद में करूंगी, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। सबसे बड़ी वो है, कल मैंने व्लॉग में क्योंकि कहा था ना कि बियर्ड सेट करवाऊंगा, रोज व्लॉग बनाया पर तू तेरी बियर्ड रोज सेट हो रहे। और ये वो बन जाऊंगा, बच्चा सा बन गया हूँ मैं, ये देखो। चलो निकलते हैं। कल भाई ताऊ के साथ इंसिडेंट हुआ है बहुत, चाबी का। क्या हुआ है फोर जी की चाबी मेरी यार? लेके आए थे। हमारी एक्टिवा है, हमने अपनी एक्टिवा का नाम पता क्या रखा है? क्या हमारे पास एक 3G एक्टिवा हुई जो पहले आती थी, एक 4G भी वो लड्डा एक्टिवा, एक 4G है और एक 125 है। तो हमने ऐसे बुलाते हैं गाड़ी की, उसके एक्टिवा के नाम से नहीं बुलाते हम उसको, हम बुलाते हैं 4G 3G। तो जो 4G एक्टिवा ना, उसके ताऊ की से ना उसकी चाबी गुम गई थी एक्टिवा की। तो कहाँ थी वो? वो मेथी की थाली में से निकली है। वो मेथी लाए थे ना, मम्मी स्टोर करती है मेथी साल के लिए, तो उस थैली में गिर गई थी। और सुबह से हम लोग धक्के खा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, कहाँ गई चाबी, कहाँ गई। और आपको पता है चाबी तड़पाती ही बहुत है अगर गुम जाए तो कहाँ है आपके पास है फोन मेरा भाई वो बोला। चलो भाई निकलते हैं, फिर आके नहा धो के रेडी होके फिर। पजामा किस कलर लग रहा है? देख ना तारों में पजामा लटक रहा किसी का ये देखो भाई, हम लोग तो बंदरों से इतना परेशान है, पहले कभी फ्रिज में से फ्रूट वगैरह निकाल देगा, इसलिए पंजाब पजामा निकाल लटका गए यहाँ पे देखो। डस्टिंग वाला है इनका, डस्टिंग वाला पजामा लटका के इनके साथ तो बहुत बुरी बना रखी है बंदरों ने। जब से इन्होंने मेरे को बोला है ना कि तू हमारा नहीं है, उसके बाद से बंदरों ने इनसे इतना परेशान कर रखा है। हनुमान जी ने आगे इनको भाई, आज गाड़ी धोने वाला फिर नहीं आया, देखो कितनी मिट्टी मिट्टी है, उसको कह भी दिया भाई आ जा, आता ही नहीं है, इतनी मिट्टी भी पड़ी है गाड़ी पर, वाई पर देखो फिर ख़राब है, ठीक ही नहीं हो रहा भाई ये, करवा के आना, मतलब इसको करवाएंगे जब सर्विस करवाएंगे तो इसकी। हमारे को ना भाई शादियों का सीजन पता है कैसे पता लग जाता है? हमारी गली में देखो ये सारे फर्नीचर की दुकान है ना, तो जैसे लोग अपनी बेटियों को फर्नीचर वगैरह देते हैं तो बहुत यहाँ जाता है, देखो ट्रैक्टर में जा रहा है तो वो लोड होकर जाता ना, हमें पता लग जाता है भाई शादी का सीजन आ गया। आगे जा रही है शादी वाली बग्गी, इस करके ना इतना जाम लगा दिया इसने, क्योंकि यार वो लोग ना जो घोड़ी होती है ना उसको खींच रहे हैं, मतलब उसको लेके जा रहे हैं, वो बार बार रुक रही है बीच में, उसको ऐसे जाम लग रहा है। मैंने तो सोचा सुलभ को अपनी याद आ गई है शादी की बग्गी देख के ना भाई मुझे शादी करनी नहीं बग्गी देख के चलिए अच्छी बुक करेंगे नथ बुक करेंगे ये ना, अपने वो करनी नहीं भाई, शादी से दूर है हम, भगवान तेरे को इतना दे तेरे आगे हाथी लगाएंगे हम हाथी फिर तो मैं कल तक ही पहुंचूंगा अपनी बारात में फिर यानी तेरे को इतनी जल्दी एक गुदुड़ दुगुड़ दुगुड़ और क्या, जब होनी है फंसना ही है तो फिर पूरी तरह ही फंसो। दुगुड़ इतने धीरे धीरे चल रही है ना वो, आगे लेके जा रहे हैं उसको, वो बेचारा भाग भाग के भी जा रहा है उसके साथ साथ। अरे एकदम से इंडिकेटर देख लिया, अब देख लो ये तो व्लॉग में है, लोग कैसे चलते हैं 426 वाले, गुड़गांव वाले कैसे चलते हैं, चार 26 वाले सबको ज्ञान देते हैं भाई हमारे कि गाड़ी ढंग से चलाया करो तेरी भाई, अब थोड़ा रोड खुला हुआ है। मम्मी रुकी है यहाँ पे गुड़ लेने के लिए, मेरे को स्पेशल ये बोला गया भाई रोक लियो आज यहाँ पे, कल मैंने रोकी नहीं थी जब हम गुरु जी के वहाँ गए थे, आज कह रही है रोक लियो मैंने गुड़ लेना है। मम्मी ने चूरी बनानी, चूरी में गुड़ डलता है, मुझे नहीं पता बाकी चीनी डलती या नहीं डलती ये सब। भाई पहुंच चुके हैं सुविधा और ये देखो जाम कितना है गाड़ियों का, ब्रीक होना ना क्योंकि फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है यहाँ पे, तो मेरे को कहीं और भेजा भाई ने गाड़ी लगाने के लिए कि भाई आगे गाड़ी लगाया जगह नहीं है, या तो बेसमेंट में लगानी होगी, लगाते हैं कहीं ना कहीं। तो
पता नहीं अंदर भी गाड़ी लगा दी अपनी बेसमेंट में, अब चलते हैं ऊपर फटाफट। मम्मी तो बाहर ही उतर गई थी, मैं लेट हो गया, पीछे पीछे हूँ। मम्मी फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट ले रहे हो, क्या बात है। घर में सीढ़ियां चढ़ के थक जाता हूं ले, तो मैं भी रहा हूं मम्मी के साथ से। गई मम्मी बदनाम, मम्मी को मैं सीढ़ियों से ले आया जल्दी जल्दी, क्योंकि लिफ्ट बार बार कभी थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं कभी सेकंड फ्लोर पे, इसलिए हम सीढ़ियों से ही आ गए। भाई लड़कियों के कपड़े लेने आ जाओ और कन्फ्यूजन ना हो। एक घंटा बर्बाद गया, कम से कम एक घंटा बर्बाद, बता रहा हूँ मैं आपको। एक घंटा मैक्सिमम तो दो घंटे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भाई हम तीनों पता नहीं लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं, तीनों में इतनी कन्फ्यूजन है कौन सा कलर लें। किसी के इनको बटन अच्छे लग रहे हैं, किसी को बटन अच्छे लग रहे हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो गया आप पे खड़ा खड़ा। भाई जैकेट वैकेट कुछ पसंद नहीं आया, लॉन्ग कॉट ये पसंद आया आखिरी, और यही डिसाइडेड है अब, यही ले रहे हैं भाई, और कोई भी ले रहे हैं, यही ले रहे हैं बस, फाइनल है हमारा। आप फाइनली अपना हो चुका है डिसाइड, ली इतनी मुश्किल से डिसाइड हुआ आधा घंटा लगा के, तो फटाफट बिल करा लेते हैं भाई, फटाफट चलते हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए बेसमेंट में। मतलब आ ही चुका हूँ मैं बेसमेंट में, ये खड़ी अपनी गाड़ी भाई, फटाफट जाके रेडी भी होना, उसके घर भी जाना। हमने उसको 6 बजे कहा था और 5:50 तो यहीं हो गए हैं, मैं नाना भी हूँ, मतलब कम से कम 6:30 बजे पहुँचेंगे उसके घर जाके। भाई पहुँच चुके हैं घर पे, मैं आप आज बता दूँ आज सीरियस हम पार्टी नहीं ले रहे, हम लेंगे उससे कल, क्योंकि आज साहिल का भी फास्ट है, पायल का भी फास्ट है, गणेश जी के व्रत का, तो क्या फ़ायदा जब दो जन उन्हें खाना नहीं, फिर उसका फ़ायदा नहीं। पीजा मैं इसलिए कल पार्टी दूँगी, तो पीजा की पार्टी है कल, आज हम केक कटवाने जा रहे हैं उससे घर पे इसीलिए। और भाई नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, और मैं गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाया, मैं ठंडे से नहाया क्योंकि फटाफट मेरे को नहाना था, लेट हो चुके हैं बहुत। अभी यहीं पे 6:30 होने वाले हैं भाई, ऊपर से रेडी होके चाची और ये आए नहीं अब तक, तो दिखाता हूँ मैंने क्या पहना है। मैंने पहना है ये नॉर्मल ही स्वेटर, क्योंकि ठंड कम हो गई ना, मैंने भारी वाली डाली नहीं इसी वजह से कि अब ज़्यादा ठंड तो है नहीं, तो फटाफट गायब हो जाते हैं। अभी केक भी लेना है भाई, देखते हैं कैसे करते हैं, सारा कुछ होच पोच हो रखा है, कौन जाएगा केक लेने, मैं जाऊँगा कौन जाएगा। ये भी आ गई रेडी हो गए, इधर शक्ल कर दे ना, कुछ नहीं होता पहले आज तो करनी, हाय हेलो तो करना पड़ेगा, हेलो आज तो कर दे है। चाची नहीं जा रही, अब आपको फाइनल बता रहा हूँ कौन कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, कन्नू जा रहा है, मानसी जा रही है, मम्मी जा रही है, और कोई भी नहीं जा रहा। पायल पीछे से आ जाएगी, वो अपना कुछ करके आएगी व्रत वगैरह का, मुझे तो पता नहीं क्या होता है, वो पहुँच जाएगी, तब तक हम केक लेंगे सारा कुछ लेते हैं। वो तो आए यार कन्नू, उसकी वेट कर रहा है, मेरे पास है गाड़ी की चाबी, आप बंद करके आओ फटाफट। इतनी तो लेडीज लेट करती है, तू लेट करके आया है, इतनी तो लड़कियां टाइम लगाती है, तू टाइम लगा के आया, नहा के भी नहीं आया, गली चाहे कुछ भी नहा के आया, नहा के नहीं आया भाई बिल्कुल भी, ये तेरे दोस्तों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, तू भी स्टार्ट कर दिया सक्षम और ने, हम पढ़ना लिखने वाले मेडिकल है? आया तो मेडिकल छोड़े भाई, इससे पूछ ले कुछ भी, इसको आता ही नहीं होगा बिल्कुल, इसने बोला नहीं आता, नहीं आता होगा बिल्कुल, चल फटाफट लोड हो गाड़ी में। ये भाई ये व्यू देख लो आप, निकल चुके हैं घर से, और पहले केक लेना है फटाफट, केक लेते हैं फिर सीधा उसके घर जाते हैं। तो आज जाम भी बड़ा है ना, शायद सीएम आए हुए रोहतक में, मनोहर लाल खट्टर जी आए थे कल, तो पता नहीं आज आया तो इतनी सिक्योरिटी थी, आज इतने पुलिस वाले थे बहुत ज्यादा। अभी उतरा भाई केक लेने के लिए, हम ले रहे हैं यहाँ से लुधियाना बेकरी से केक, यही तीनों गया क्योंकि मेरे को बैठना पड़ेगा गाड़ी में, क्योंकि पुलिस वाले भाई तंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रास्ते में गाड़ी खड़ी है, गलती हमारी भी नहीं है उनकी भी नहीं है, तो गाड़ी पार्किंग खड़ी करने की जगह ही नहीं है कहीं पे भी, तो क्या कर सकते हैं। गए हैं फटाफट तीनों भाई, पहुंच चुके हैं फीजा है घर, ये रहा फीजा है घर, ये रहा पता दिख नहीं रहा होगा, फटाफट गाड़ी लगाते हैं भाई, उतरो आप लोग, तो पीछे बाइक भी आ रही है, पीछे मेरी साइड आ रही है, उस साइड आ रही है, चलो हम लोग लेट हो गए। अरे एक मिनट यार, शीशा नीचे गंदा हो गया, ये रहा फीजा का, मैं फटाफट गाड़ी लगाता हूँ, चलता हूँ अंदर। कन्नू अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताइयो, कितनी गर्लफ्रेंड है गिनती की, जीरो। एक बर्थडे गर्ल, फिजा हैप्पी बर्थडे, 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 हैप्पी बर्थडे 10 बार हैप्पी बर्थडे बोला, सुनाई नहीं दिया इसको, चूरी आई है इसके लिए स्पेशल, मम्मी चूरी बना के लाई है तेरा गिफ्ट। Happy birthday to you.
हमारा क्यूट सा सिंचैन, इससे कहीं मिलने आओ, बहुत प्यार करता है सबको ये। शेकन कर दियो, शेकन गिप्पो, शेक अच्छा गिप्पो कर दे, मैं गिप्पो बेइज्जती करवा रहा हूं ब्लॉग में, गिप्पो कर दे गिप्पो भाई, इसको केक खाना है। भाई मैं तो निकल चुका हूँ घर के लिए और मैं जा रहा हूँ एक्टिव वे, कन्नू आ जाएगा गाड़ी लेके सबको, क्योंकि मैंने जाना है एकेडमी, इसलिए लेट हो जाऊँगा वहाँ जाके। पहले फ़ोन आ गया भाई, लेट मत होइयो, फटाफट आ जा। भाई पहुँच चुका हूँ मैं घर और फटाफट अब तैयार होते हैं, 8 बज चुके हैं, मतलब 8-10 तक मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट जा रहा हूँ, 8-10-11-15 पहुँच जाऊँगा, तब तक सारे पहुँच जाएंगे। अभी आ चुका हूँ मैं खेल के घर, तो भाई आप तो बहुत थक गए आज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हम लोग गए फीजा के लिए गिफ्ट लेने, उसके हमने सेलिब्रेट करा फीजा का बर्थडे। होप करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब से हम लोगों को इतनी वो मिलती है ना खुशी, कि एक सब्सक्राइब भी आया है, और जब एक सब्सक्राइबर घट भी जाता है हमें तब भी बहुत दुख होता है कि हमारी कहाँ कमी रहेगी जब सब्सक्राइबर ने हमें अनसब्सक्राइब करा। तो यार थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करा करो यार, थोड़ा बहुत ही कह रहा, बहुत चाहे एक ही कर दो, घर में इतने फ़ोन होते हैं, उठा के कर दो यार किससे मर्जी सब्सक्राइब। तो भाई इसी अपने ब्लॉग को आज एंड करते हैं, होप करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके बाय बाय, जय श्री राम।